नमस्कार मित्रों, आज कोरोना जैसी विश्व में जो महामारी चल रही है, उस महामारी के कारण लॉकडाउन की जो स्थिति आई है, उस स्थिति के चलते अहमदाबाद शहर में ऐसे हजारों बेरोजगार लोग जो हैं, जो बेरोजगार हो गए, जो अपनी आजीविका बहुत ही सीमित मात्रा में चला पा रहे थे, उन लोगों तक कोई भी घर में भूखा न सोए, उस उद्देश्य से राजस्थान युवा मंच के द्वारा हम लोगों ने सहायता करने का निश्चित किया, जिसमें हमारे भामाशाहों के माध्यम से हम लोगों ने सहायता राशि एकत्रित करके यहाँ अहमदाबाद शहर में बस रहे हजारों लोगों तक पहुँचने का प्रयास किया, जिसमें हम लोगों ने 12 दिन तक तो रसोड़ा चलाया, जिसमें कभी बघारेली खिचड़ी पूड़ी सब्जी वगैरह का वितरण किया, और उसके बाद पिछली 27 और 28 मार्च को समाज के ऐसे जो विभिन्न ज़रूरतमंद लोग थे, उन लोगों तक 400 राशन किट हमने पहुंचाई, और आज फिर से एक बार हमारे भामाशाहों के अथक प्रयत्नों द्वारा राजस्थान युवा मंच की ओर से फिर से 400 से ज़्यादा किटों का हम लोग यहाँ बनाकर लोगों तक वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं। बस कार्य तो जैसे अब लॉकडाउन का सेकेंड सेशन शुरू हुआ है, पहले सेशन में तो हमने पूरा कर दिया था कार्य हमारा, लेकिन फिर से जब कल मोदी जी ने सेकंड सेशन की शुरुआत की है, तो 3 मई तक जो ये उन्होंने लॉकडाउन का पालन करने को कहा है, उस लॉकडाउन के अंदर हम लोग इसमें जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा जो मोदी जी ने मूल मंत्र दिया है कि भी लोगों के गरीब लोगों तक हम लोगों को हमारी मदद पहुँचानी है, तो हमसे जो यथायोग प्रयत्न बनेगा राजस्थान युवा मंच के द्वारा हम लोग पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। बस राजस्थान युवा मंच की ओर से इस विकट परिस्थिति में लोगों को संयम और सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, उस दिशा निर्देशों पे अमल करने के लिए कहेंगे। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वच्छता का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, बहुत ही कोई ज़रूरी काम हो तो अपने घर से निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। मैं दीपक चोपड़ा, लायंस क्लब ऑफ अहमदाबाद राज सम्राट के नेतृत्व में ये साल मैं भवानी जी जैसों का बहुत बहुत आदर और रिस्पेक्ट और उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो राजस्थान युवा संघ जिस तरह से प्रबल है, उस तरह से खाली बोलने में ही नहीं बल्कि करने में भी आगे है। जिस तरह से ये लॉकडाउन के बाद से अपने कामों में जुड़े हुए हैं, इन्होंने 800-900 किट डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, उसके अलावा फूड पैकेट की भी लगातार डिस्ट्रीब्यूशन की। जब पुलिस एकदम कड़क हुई तब उन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन बंद करके ग्रोसरी किट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है और मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भवानी जी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। समाज को जो सर ने बताया वही मैसेज है कि जो इंसान घर में रहेगा, संयम रखेगा, वही इस कोरोना जैसी महामारी से बच पाएगा। सबको यही कहता हूँ कि अगर कोई ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकले, नहीं तो घर पे रहे और अपने आप को अपने परिवार को हेल्दी रखे।